7. This is a presentation that I found somewhere. और जो 7th chapter हमने पढ़ा है, it would help us revise all the content. ठीक है, एक बार इसे देखेंगे. I have shared the screen, जिसे नहीं दिख रही है, most probably network के साथ वो दिखने लगेगी. ठीक है, यशमित, इज इट विजिबल? यस सर. क्लियरली? यस सर. भविष्य? यस सर. दिख रही है साफ साफ? यस सर, इट इज क्लियर, यू कैन सी. ओके, तो अब वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. ठीक है, ये चैप्टर हमने देख लिया. नाउ the first thing that we tried to understand in this chapter was the concept of weather, mausam. ठीक है, what is it? So the definition, as you all can see, clearly says the day to day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed is called weather at that place. ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो वहां के एटमोस्फेयर की कंडीशन है. ठीक है, क्या कंडीशन, कौन से फैक्टर्स हम एनालाइज करेंगे? तो हम देखेंगे कि वहां टेम्परेचर कितना है. ठीक है, व्हाट अबाउट द ह्यूमिडिटी? नाउ ह्यूमिडिटी सबको पता है कि कितना मॉइस्चर कंटेंट है एयर में. ठीक है, वो कितनी, उमस कितनी है, नमी कितनी है, रेनफॉल, बारिश होगी नहीं होगी, और अगर हो रही है तो कितनी हो रही है. आप देखेंगे कि इफ इट रेन्स टुडे, देन कल के वेदर रिपोर्ट में आपको रेनफॉल एमएम में दिया है. ठीक है, विंड स्पीड हो गई, अगर हवा चलेगी तो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में चलेगी और किस स्पीड से चलेगी. ठीक है, विल इट बी स्टॉर्मी और विल इट जस्ट बी विंडी या फिर एक ब्रीज ब्लो करेगा सब. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पे क्या डिटरमाइन करते, ये डिटरमाइन द weather of that place. ठीक है, as you all can see there are two icons, one is that of the sun shining and the second one is of a cloud raining. ठीक है, तो दोनों ही conditions क्या है, weather है. किसी दिन एकदम साफ साफ हम देखते हैं, खुला आसमान रहता है, the sun shines very brightly, and some days like today it is cloudy और हम देखते हैं बारिश होती. ठीक है, now temperature measure कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक थर्मोमीटर होता है. ठीक है, कौन सा थर्मोमीटर? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. ठीक, तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर में हालांकि इसमें तो एक ही दिया हुआ है, बट उसमें दो ट्यूब्स रहते हैं. एक तो ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो मिनिमम मेजर करेगा, दूसरा मैक्सिमम मेजर करेगा. ठीक है, फिर क्या होता है, रेनफॉल. रेनफॉल हम लोगों ने पढ़ रखा था, किससे मेजर होता है? रेन गेज से. ठीक है, उससे हम लोग रेनफॉल मेजर करते हैं. फिर नेक्स्ट क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ हाइग्रोमीटर. ठीक है, हाइग्रोमीटर क्या होता है? हाइग्रो वर्ड आता है बेसिकली कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं. नाउ दैट इज समथिंग फॉर यू ऑल टू लुक फॉर. ये वर्ड नोट कर लो कहीं पे, HYGRO SCOPIC, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस. इसके बारे में सब देखेंगे ये होता क्या. तो हाइग्रोमीटर इज समथिंग रिलेटेड टू मॉइस्चर और यही मेजर करता है कि एयर में कितना मॉइस्चर. ठीक है, फिर अगली चीज हो गई विंड स्पीड. द नेक्स्ट थिंग इज विंड स्पीड. नाउ द एनिमोमीटर, ANEMOMETER, द एनिमोमीटर हेल्प्स यू टू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड दैट इज ब्लोइंग. अगर कोई विंड नहीं ब्लो कर रही है, हवा नहीं चल रही है, तो ये सिंपली स्टेशनरी रहता है. बट आपने अक्सर कभी देखा होगा कहीं ना कहीं वो दो सेकंड की एक क्लिप, जिसमें कि डिवाइस के ये जो कुछ सेमीकंडक्टर है, हॉलोस्फीयर है, ये मूव करता है. ठीक है, दस सेकंड दो क्या सकते. यस, सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ एनिमोमीटर. कि जब विंड ब्लो करेगा सो इट इज गोइंग टू टेल अस द स्पीड ऑफ द विंड. अब वेदर के बारे में कुछ और फैक्ट्स.
All changes in the weather are driven by the sun. तो weather change कैसे होता है? तो सारे changes किससे driven होते हैं? Sun की position से. ठीक है? Weather is generally not the same on any two days and week after week. अब दो लगातार दो दिन weather same नहीं रहे. अब बोलेंगे नहीं सर गर्मियों में तो रोज गर्मी पड़ती नहीं. कुछ ना कुछ चेंज होगा. बी इट अ चेंज इन द मिनिमम टेम्परेचर, बी इट अ चेंज इन द मैक्सिमम टेम्परेचर, बी इट अ चेंज इन द ह्यूमिडिटी, बी इट अ चेंज इन विंड स्पीड, बट कुछ ना कुछ चेंज करेगा. और हर वीक पे तो हम देखते हैं ये वेदर चेंज होगा. अगर वीक आफ्टर वीक वेदर चेंज नहीं होगा देन वी विल नॉट बी एक्सपीरियंसिंग द सीजंस दैट वी आर सीइंग. ठीक है? अब आगे देखेंगे क्लाइमेट क्या है. द टेक्स्ट इज नॉट विजिबल वेरी क्लियरली. सो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न taken over a long time is called climate. ठीक है? अब वेदर एक जगह का कैसा है थ्रू आउट द ईयर डे टू डे. पहले हम एक उसका डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर हर साल के वेदर के डेटा को एनालाइज करते हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए. से 10 years, 20 years, 30 years तो हम देखते हैं. अगर हमारे पास एनुअल डेटा है तो हमने अगर ये देखा कि जून में हर साल एक पर्टिकुलर प्लेस में बारिश होती है सो वी विल से कि यहाँ का क्लाइमेट इस मंथ में कैसा हो जाता है. यहाँ पे रेनी सीजन आ जाता है. अगर हमने ये ऑब्जर्व करा दैट सम प्लेस गेट्स वेरी कोल्ड इन द मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी एवरी ईयर देन वी से द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस गेट्स वेरी कोल्ड इन द मंथ्स ऑफ जनवरी और दिसंबर. तो इसी तरह से हम क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं. ठीक है? आप अगर कहीं पे कोई वेदर है कोई क्लाइमेट है तो फिर जाहिर सी बात है द अलॉट ऑफ एनिमल स्पीशीज रिसाइड ऑन द अर्थ. ये यहाँ पे रहते हैं. अलग अलग प्लेसेस पे अगर अलग वेदर होगा अलग क्लाइमेट होगा तो वहां पे जो भी स्पीशीज रह रही होगी जाहिर सी बात है उसे उस जगह पे अपने आप को ढालना पड़ेगा. इट विल हैव टू अडेप्ट टू द सराउंडिंग्स टू द वेदर टू द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. ठीक है? तो इसी के बारे में है. क्लाइमेट हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है? द पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रीजन्स आर द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विच हैव सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस. ठीक है? अब नॉर्मली लोग पूछेंगे कि सर पोलर और इक्वेटर में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक एरिया दोनों के क्लाइमेट एक्सट्रीम है. अगर एक जगह बहुत ज्यादा ठंडी है तो दूसरी जगह बहुत ज्यादा गर्मी. इसलिए दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है? एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन दीज कंडीशन इन विच दे लिव. ठीक है? अब एनिमल्स जहां भी आ रहे हैं इक्वेटर वाले जो है उन्होंने अपने आप को वहां के क्लाइमेट के हिसाब से अडेप्ट कर रखा होगा. एंड द वंस लिविंग इन द पोलर रीजन्स मस्ट हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू द पोल्स. ठीक है? नाउ पोलर रीजन्स का अगर देखेंगे तो जैसा आपको दिख रहा होगा इफ यू ऑल कैन सी इन द पिक्चर पूरा एक स्नो कवर्ड लैंडस्केप चारों तरफ से बर्फ दिख रही. ठीक है? और कुछ भी नहीं. नो पार्ट ऑफ ग्रीन ग्रास नो पार्ट ऑफ द ब्राउन सॉइल. यहाँ पे सिर्फ स्नो एंड द टेम्परेचर जो मेरा गेस है माइट प्रोबेबली बी अराउंड समथिंग से -5 और -4. तो ऐसे जगह पे जहां पे पानी भी फ्रीज हो जाएगा. स्नो किससे बनता है? इट्स द फ्रोजन फॉर्म ऑफ वॉटर. तो अगर इतना पानी जमा हुआ है तो एक डायरेक्ट कंक्लूजन है कि टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा. तो इतने एक्सट्रीम वेदर में कैसे कोई सर्वाइव करेगा ये देखते हैं. अब अगेन पिक्स ऑफ 3 पोलर बेल्ट और आसपास फिर से हमें बहुत सारा स्नो दिख रहा. नाउ कोई बोलेगा कि सर अभी तो आप बोल रहे थे यहाँ पे कोई ग्रास नहीं होगा या ट्री नहीं होगा. तो ये जो रीजन है आपका ये विंटर्स का होगा. जब स्प्रिंग सीजन आता है व्हेन द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग आज एक छोटे से समय के ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे बर्फ नहीं होता है व्हेन दीज बुशेस टर्न ग्रीन इसमें कुछ लीव्स आ जाते हैं और उसके बाद फिर से व्हेन द वेदर चेंजेस दे अगेन शेड देयर लीव्स. तो इसी में हमें 3 पोलर बेयर्स का देखिए आप दिख रहा है और इन्होंने बताया कि एनिमल्स इन पोलर रीजन आर अडेप्टेड टू द सीवियर कंडीशन ऑफ द पोलर रीजन. अब पोलर रीजन में जो क्लाइमेट है वहां का एटी सीवियरिटी के वहां पे मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है. तो ये जो एनिमल्स है ये अडेप्टेड है उतने ठंडे मौसम में रहने के लिए. नाउ द नेक्स्ट पार्ट. अब देखो एक ये अगेन दे हैव अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ आर्कटिक लैंडस्केप.
ठीक है, आर्कटिक ओशन अगर सब लोगों ने देखा होगा कहां पे है, इट्स प्रोबेबली अराउंड द नॉर्थ पोल एज फार एज आई कैन गेस। ठीक है, तो वहां पे भी जो परमानेंट फ्रोजन एरियाज है, परमा फ्रॉस्ट है, वहीं पे एक लैंडस्केप का ये बहुत ब्यूटीफुल सा पिक है। बट अगेन द टेम्परेचर्स हियर मस्ट बी वेरी कोल्ड, द वेरी लो, द टेम्परेचर मस्ट बी वेरी लो। ठीक है, और एंटार्कटिक लैंडस्केप्स भी आपको दिख रहे हैं, तो सब दोनों जगह ही हमें क्या दिख रहा है, द वेदर सीम्स टू बी वेरी कोल्ड। ठीक है, अब कौन कौन से एनिमल्स इसमें रहते हैं, तो देखो जैसे पोलर बेयर का एक हमने देखा, एक और है इसमें द आर्कटिक फॉक्स। फॉक्स मतलब क्या हो गया आपका, समबडी इज माइक, हाँ लोमड़ी, एग्जैक्टली। ठीक है, तो आर्कटिक फॉक्स क्या, जो आर्कटिक रीजन में रहने वाली लोमड़ी है उसे हम आर्कटिक फॉक्स कहेंगे। एंड वी ऑल कैन क्लियरली सी पोलर बेयर का एडेप्टेशन, तो जो पड़ी चुके फर होगा, तो इस आर्कटिक फॉक्स में भी हमें दिख रहा है क्या, बॉडी ज्यादा फर है इसके बॉडी। ठीक है, एंड द इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव प्रोवाइडेड टू अस, द आर्कटिक फॉक्स रेंजेस थ्रू आउट द आर्कटिक। आर्कटिक क्या है, ये एक रीजन है। ठीक है, दे आर फाउंड ऑन लैंड, दे ऑल्सो लिव ऑन सी आइस, sometimes traveling hundreds of miles from land। ठीक है, its coat is white in winter and brown in summer। अब देखो polar bear का थ्रू आउट वाइट रहता है, बट दिस आर्टिक फॉक्स हैज somehow adapted कि इसके जो बाल है बॉडी के, फर है इसका, ये ठंडियों में सफेद हो जाए। सो वेन देर इज स्नो अराउंड एंड इट्स हेयर डन वाइट, तो अगेन इसकी सराउंडिंग्स में ये बहुत अच्छे से छिप जाएगा, और जो इसका शिकार है जिसे ये खाएगा वो इसे आसानी से देख नहीं पाएगा। एंड इन विंटर व्हेन द स्नो मेल्ट्स, कुछ रीजन में जो एग्जैक्टली पोल पे नहीं है उससे थोड़ा नीचे है, तो वहां पे जब ग्रीनरी होगी तो वहां पे इसका जो फर होगा अगेन इट विल टर्न ब्राउन, हेल्पिंग इट टू ब्लेंड इन विद द सराउंडिंग्स। सो आर्कटिक फॉक्सेस डू नॉट हाइबरनेट इन द विंटर। अब ये हाइबरनेट नहीं करते। अब कोई पूछेगा हाइबरनेशन क्या है सर, तो हाइबरनेशन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर वेदर में सर्वाइव नहीं कर पाते, जिसमें वो सो जाते हैं, और ऐसा नहीं कि वो कुछ दो चार घंटे के लिए सो रहे, नो, दे स्लीप फॉर ड्यूरेशंस ऑफ मंथ्स, वो महीनों के लिए सो जाए। लाइक देयर आर सम फ्रॉग्स जो इसी फ्रोजन एरिया में वो सो जाएंगे, और जब बर्फ पिघलेगी तो वापस से उठेंगे, जितने दिन बर्फ जमी रहेगी वो उतने दिन सोते रहेंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को दे कॉल इट हाइबरनेशन। ठीक है, अब दे आर्कटिक फॉक्स क्या होते हैं, दे आर अ स्कैवेंजर एंड टेंड टू ईट एनिमल्स दैट आर ऑलरेडी डेड। ये स्कैवेंजर उस होते हैं, स्कैवेंजर्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो कि मरे हुए जानवरों के मीट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्रो हो गया, वल्चर्स हो गए, ईगल्स हो गए, दे रेयरली हंट, ये हंट नहीं करते। कोई जानवर अगर कहीं पे मर गया है तो ये उसके डेड बॉडी के जो फ्लैश है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आर्कटिक फॉक्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्कैवेंजर, सम मच माइट गॉट अनम्यूटेड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आर्कटिक हेयर, अब हेयर क्या है, यहाँ बाल वाला हेयर नहीं है, एज यू ऑल कैन सी इन द स्पेलिंग, इट्स एच ए आर ई, ये खरगोश है जो उसकी बात हो रही है यहाँ। द वाइल्ड रैबिट्स आर कॉल्ड हेयर्स, तो अब हेयर्स क्या है, ये आर्कटिक रीजन में पाए जाने वाले खरगोश को हम आर्कटिक हेयर कहते हैं। हेयर्स आर सिमिलर टू रैबिट्स, प्रेड ऑन बाय मेनी ऑफ द लार्जर एनिमल्स, ये ज्यादातर बड़े एनिमल्स ही वो खाते हैं। आर्कटिक हेयर्स हेल्प टू एलिवेट द प्रेशर ऑन लेमिंग्स एंड आर एन ऑल्टरनेटिव फूड। नाउ ये जो लाइन लिखी है एलिवेट द प्रेशर ऑन लेमिंग्स, इसे सब नोट करेंगे and look for the meaning of what this sentence says। ठीक है, लेमिंग्स क्या है, क्या प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, सो दिस एनिमल इज वन ऑफ द फ्यू दैट डज नॉट रेंज बिलो द आर्कटिक सर्कल। अब आर्कटिक सर्कल के नीचे नहीं पाया जाएगा, ये कोल्ड नहीं पाया जाएगा। वेन लिविंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द आर्कटिक सर्कल दिस स्पीशीज रिमेन्स वाइट थ्रू आउट द ईयर, बट फर्दर साउथ इन द सर्कल इट्स कोट डार्केंस इन समर। जैसे आर्कटिक फॉक्स का एडेप्टेशन था वैसे ही कुछ इस पर दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, इसका जो एकदम ठंडे में रहे उनका तो फर जो है पूरे साल वाइट रहे, बट जो थोड़ा सा नीचे आ गए हैं उस एरिया में जहां पे स्नो मेल्ट हो जाता है,
उसने जान बूझ के माइक ऑन करा था कि गलती से हम लोग प्लीज डोंट हैंड यू बहुत सारा डिस्टर्बेंस आया। ठीक है, तो जो थोड़ा सा आर्कटिक सर्कल से परमा फ्रॉस्ट वाले जोन से नीचे पाए जाते हैं, जो रैपिड स्कूल का लाइट भी आर्कटिक फ्रॉस्ट जो बॉडी फर है वो ब्राउन हो जाता है इन पीरियड्स व्हेन देयर इज नो स्नो। ठीक है, दिस एनिमल आल्सो हैज द यूनिक टैलेंट ऑफ रनिंग सोली ऑन इट्स हाइंड लेग्स। अब देखो ज्यादातर एनिमल्स आपको फोर लेगेड मिले जो अपने चारों पैरों पे चलते, ठीक है, जिन्हें हिंदी में एक वर्ड होता है चतुष्पद, ठीक है, तो वो चार पैरों पे चलने वाले होंगे तो उन्हें कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो हेयर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सब, ये दो पैरों पे पूरी तरह से भी अपने भाग सकता है। ठीक है, तो दिस अगेन मेक्स इट स्पेशल। पेंगुइन्स की बात आ गई, पेंगुइन्स आपने देखा है ऐसे दिखते हैं जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, सील्स हो गए, ये भी एक स्पीशीज होती है जो ठंडे एरियाज में पाई जाती है। देयर आर अ वाइड वैरायटी ऑफ सील्स लिविंग इन द आर्कटिक, सिक्स डिफरेंट आइस इनहैबिटिंग टाइप्स इन ऑल, छह तरह की इसकी प्रजातियां हैं। ठीक है, देयर आर आल्सो सील्स इन द एंटार्कटिक, अब एंटार्कटिक रीजन में भी सील्स है। ठीक है, द लार्जेस्ट हेयर सील ऑफ द आर्कटिक इज द बियर्डेड सील रीचिंग 2.5 मीटर्स इन लेंथ। अब 2.5 मीटर्स ऑलमोस्ट हो गया आपका कुछ 7 फीट के आसपास हो गया। ठीक है, सो इमेजिन अ 7 फीट लॉन्ग एनिमल द साइज ऑफ WWE रेसलर बिग शो, उतना बड़ा एनिमल है तो जाहिर सी बात है इट्स अ बिट डेंजरस। नाउ सील्स आर वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एनिमल्स पोजेसिंग मेनी टैलेंट्स दैट हैव येट टू बी एक्सप्लेन्ड, मतलब इनके पास ऐसे भी गुण देखे गए हैं जो कि एक्सप्लेन करना अभी कठिन है। सील्स आर वेल अडेप्टेड टू द आर्कटिक हैबिटेट, दे गिव बर्थ टू देयर यंग ऑन द सी आइस बट फीड इन द ओशन, ये जो इनके यंग वंस होते हैं उनको बर्फ के ही जन्म देते हैं बट इन्हें खिलाते ये ओशन में। लीव्स इन द आइस प्रोवाइड अ परफेक्ट हैबिटेट फॉर सील्स, ओपन आइस टू रेस्ट ऑन एंड सी टू फीड इन एंड एस्केप प्रेडेटर्स सच एज पोलर बेयर्स। अब पोलर बेयर्स क्या है, ये आइस पे रहते हैं, इन्हें स्विमिंग आती है बट ये डीप सी में नहीं जा पाए। ठीक है, तो अब ये एकदम ओपन में रहेंगे और अगर इनको लग रहा है कि कोई प्रेडेटर आ रहा है इनके ऊपर हमला करेगा तो ये ओशन में चले जाए। ठीक है, नाउ पोलर बेयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई था बहुत अच्छे से। पोलर बेयर्स आर वन ऑफ द मेजर प्रेडेटर्स इन द आर्कटिक, ठीक है, एंड वन ऑफ द फ्यू एनिमल्स दैट ओपनली प्रेज ऑन ह्यूमंस। ठीक है, ये इंसानों को भी खा जाता है। दे आर ट्वाइस द वेट ऑफ अ टाइगर एंड द साइज ऑफ एन अलास्कन ब्राउन बेयर। ठीक है, अब जो बड़ा वाला ब्राउन कलर का भालू देखा है ये क्या होते हैं, उसके दोगुने वेट के हो। ठीक है, दे आर द टॉप ऑफ द फूड वेल, अब फूड चेन के बारे में सबने पढ़ रखा है तो ये उसके मेन एपेक्स प्रेडेटर। ठीक है, दे ईट अ वाइड वैरायटी ऑफ लार्ज एनिमल्स सच एज सील्स एंड द कैरिबू। अब ये कौन है इसको भी आपको सर्च करना पड़ेगा, इसका एक पिक आप लोग सब लोग देखेंगे कि ये कौन सा एनिमल है। इन ऑर्डर टू ईट सील्स पोलर बेयर्स डिपेंड ऑन सी आइस दैट अलाउज देम टू गो आउट इनटू द वाटर वेयर द सील्स नॉर्मली लिव एंड फीड। अब पोलर बेयर का क्या है, देयर फर इज सो थिक दैट वाटर विल हार्डली एवर रीच देयर स्किन। अब ये पानी इतना ठंडा होता है कि बॉडी पे अगर लग गया तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन पोलर बेयर का जो फर होता है वो इतना थिक होता है कि पानी वहां तक पहुंच नहीं पाता। दे आर वन ऑफ द टू आर्कटिक एनिमल्स दैट रेंज ऑल ऑफ द आर्कटिक, पूरे आर्कटिक में पाए जाते हैं। फीमेल्स गिव बर्थ इन द विंटर एवरी 3 to 4 ईयर्स एंड हैव टू कब्स एट अ टाइम। ठीक है, नॉर्मली इनके दो कब्स होते हैं और 3 से 4 साल के डिफरेंस पे फीमेल्स यंग वंस को बर्थ मतलब यंग वंस इनके आते हैं। अडेप्टेशन ऑफ पोलर बेयर, ये डायग्राम आपकी बुक में है, हम लोगों ने इस पे बहुत अच्छा सा डिस्कशन किया था। ठीक है, द पोलर बेयर हैज वाइट फर सो दैट इट इज नॉट इजली विजिबल टू इट्स प्रेडेटर्स, द वाइट फर हेल्प्स इट टू कैच प्रे
as they do not see the polar bear in its white background. It has two thick layers of fur. ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ रखी. Strong sense of smell, long curved and sharp claws. अब आते हैं ट्रॉपिकल एनिमल्स के ऊपर. तो अब यहाँ पे कौन होता है? नॉर्मली जंगल में सब कहते हैं जहां पे ग्रीन फॉरेस्ट है वहां पे कौन होते हैं? लाइन एंड टाइगर. द लाइन एंड द टाइगर हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग. दे हैव गुड सेंस ऑफ स्मेल एंड देयर बॉडी कलर इज मैचिंग इट्स सराउंडिंग सो दैट इट्स प्रेस गुड और इजिली आइडेंटिफाइड. अब लायन और टाइगर के बारे में सब लोग देखेंगे, एक बात तो है कि ये अपने सराउंडिंग से बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं. अगर शेर को कभी किसी ने देखा हो किसी नेशनल ज्योग्राफिक के वीडियो में घात लगा के शिकार करते हुए, सो इट सिंपली स्टॉप इट्स बॉडी. ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहां पर कुछ हिल रहा है, ठीक है, एकदम से स्टैचू बन जाता है. एंड ऑल ऑफ अ सडन इट जंप्स ऑन इट्स प्रे एंड अटैक्स इट. तो प्रे रिएक्ट ही नहीं कर पाता तो इसको ये लोग हेल्प कर देते, ठीक है. अब पेंगुइन्स में क्या एडेप्टेशन है? द पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्व्स वार्म. हडल टुगेदर का क्या मतलब हुआ? विल एनीवन लाइक टू आंसर? सर मींस एंड दे विल टुगेदर क्लोज भविष्य. भविष्य कुमार. यस सर. हडल टुगेदर का क्या मतलब हुआ? यस मेर. यस सर. हडल टुगेदर का क्या मीनिंग हुआ? सर टू हड टुगेदर. ठीक है. प्रियंका. No response. Aryan, Aryan Upadhyay. Sir, they. Aryan Upadhyay. Sir, they live together. They live together. Organism. Groups and groups. जिसका नाम लेंगे बस वही बोलेगा. So, he is much more. आर्यन को भी आंसर का आइडिया नहीं. आदित्य दुबे. सर दे लिव टुगेदर. लिव टुगेदर, ठीक है. मतलब जहां से भी सब लोग मीनिंग देख रहे हैं वहां भी यही दिया, लिव टुगेदर. अंकित कुमार स्वेन. यस सर. हडल टुगेदर का क्या मीनिंग होगा? सर हम टुगेदर. कैसे बोल रहे हैं? सर हम टुगेदर. हडल टुगेदर का सिंपली मतलब हुआ टू वॉक बाय एट अग्री लेस डिस्टेंस. ऑलमोस्ट आपस में एक दूसरे को टच करते हुए चलना जिससे कि ये लोग गर्म रह जाते, ठीक है. सो पेंगुइन्स दे हैव ब्लैक एंड व्हाइट बॉडी विच ब्लेंड्स विद द सराउंडिंग्स, ठीक है. एक तो ये एडाप्टेशन हो गया. टू कंजर्व हीट पेंगुइन्स मे टक इन देयर फ्लिपर्स क्लोज टू देयर बॉडी. अब इनका फ्लिपर क्या हो गया? जो इनके हाथ हो गए ये इसको एकदम अपने बॉडी से क्या करते हैं? पास रखते हैं, ठीक है. दे ऑल्सो मे शिवर टू जनरेट एडिशनल हीट. अब ये कांप के भी हीट जनरेट कर लेते हैं. शिवर करना मतलब कांपना. देर इज थिक फैट लेयर विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ बॉडी हीट. द डार्क कलर ऑफ द पेंगुइन्स डॉर्सल सर्फेस अब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सन विच इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर, ठीक है. अब हम लोगों ने हीट वाले चैप्टर में पढ़ा था वी ऑल हैड स्टार्टेड कि डार्क सर्फेसेज आर वेरी गुड अब्सॉर्बर्स ऑफ हीट. तो ये जो इनका पीछे का डार्क एरिया होता है ये इससे सन की हीट बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेते हैं. नाउ इट हैज वेबिड फीट टू स्विम इन वॉटर. वेबिड का क्या मतलब होता है? थोड़ा सा पैर इनके थोड़े से ब्रॉड होते हैं, ठीक है. और उसमें कुछ एक जाल जैसा रहता है तो इसीलिए उन्हें वेबिड कहते हैं जिससे कि ये बर्फ में घसेंगे नहीं और पानी में तैरने में भी इन्हें आसानी होगी, ठीक है. माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स. अब किसी ने पूछा था माइग्रेशन क्या होता है, ये देख लीजिए. द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ बर्ड्स इन सर्च ऑफ सुटेबल क्लाइमेट एंड ब्रीडिंग, इसी को क्या कहते हैं? माइग्रेशन.
The birds migrate to warmer region when winter sets in. Generally, they fly high where the wind flow is helpful and the cold condition allows them to disperse the heat generated by their flight muscles. ठीक है, अब आगे आर्कटिक टर्न, ये एक बर्ड है जो माइग्रेट करता है. ये जो मैप अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये जो येलो लाइन्स है ये बता रही है ये किस एरिया में माइग्रेट करते हैं. अब अगर सबको दिख रहा होगा तो जो अलास्का का रीजन है, कोल्ड रीजन है, ये वहां से उड़ना स्टार्ट करते हैं. एंड दे आर फाउंड इन द फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. नहीं विजिबल है तो आई कांट हेल्प इट, ये ऐसा ही रहेगा. ठीक है, अब ये जब वहां से फ्लाई करते हैं तो देखो मोस्टली ये कोस्टल एरिया जहां पे जो क्लाइमेट है थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा वहां पे मिलते हैं. जैसे अफ्रीका, ये जो कॉन्टिनेंट दिखा है आपको, इसके इस साइड मोरक्को नाम की कंट्री है वहां पे मिल जाएंगे. वहां थोड़ा सा हॉटर क्लाइमेट होता है. एंड एज यू मूव टूवर्ड्स द सेंट्रल अफ्रीका इट गेट्स हॉटर. और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी जो क्लाइमेट है वो बहुत कह सकते हैं कि ह्यूमिड और हॉट है, तो वहां पे ये बच जाते हैं. ठीक है, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरियाज इज मोस्टली मॉडरेट टेम्परेचर, में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत हाई भी नहीं होता. तो अगर आप लोग देख रहे होंगे वो येलो लाइन्स है जो, वो सिर्फ कोस्टल एरियाज पे पॉइंटेड है. ठीक है, तो अब इनका माइग्रेशन क्या, दी आर्कटिक टर्न्स माइग्रेट ओवर द सी एंड आर रेयरली सीन फ्रॉम लैंड एक्सेप्ट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन. इट इज सेड दैट देयर माइग्रेशन पाथ इज ओवर 22,000 माइल्स, ऑलमोस्ट 35,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ये माइग्रेट करके आते हैं जस्ट फॉर ब्रीडिंग. ठीक है, अब द साइबेरियन क्रेन माइग्रेट्स टू भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा. ये भी आपका जो उधर का एरिया है रशिया में ऊपर जो फ्रोजन एरिया है वहां से माइग्रेट करता है. और कहां पे, भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी के बारे में सुना होगा राजस्थान में. और एक और डिस्ट्रिक्ट है सुल्तानपुर हरियाणा में, यूपी में भी है हरियाणा में, ये वहां पे भी माइग्रेट करके आता है. अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसा दिखता है ये आपके सामने है स्क्रीन के. ठीक है, इट्स टोटली ग्रीन जहां बारिश होती है और टेम्परेचर बहुत ठंडे नहीं होते, वहां पे ऐसा ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको दिखता है. ठीक है, अब ये कहां कहां पे है, तो अगर आप लोग वर्ल्ड में देख रहे हो तो ये जो साउथ अमेरिका है, ये जो कॉन्टिनेंट है, दिस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द अमेजॉन फॉरेस्ट, अमेजॉन नदी के आसपास है. फिर ये जो आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दिख रहा है, ये जो मेडागास्कर का आइलैंड है इस पे भी है, यहां पे भी है, एंड सम पार्ट ऑफ दिस रीजन ऑफ अफ्रीका. फिर इंडिया में अगर आप देख रहे हो सो द होल नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट जहां पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको दिख रहे. ठीक है, एंड देन हियर इन द पार्ट्स ऑफ म्यांमार एंड द अदर कंट्रीज सच एज बांग्लादेश, यहां पे पूरा आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट दिख जाएगा. ठीक है, तो यहां पे ये कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. विली वन वॉन्ट्स टू टेक अ स्क्रीन शॉट, यू आर मोस्ट वेलकम. ठीक है, अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो रेन फॉरेस्ट बिलोंग टू द ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट ग्रुप. द टेम्परेचर इन रेन फॉरेस्ट रेयरली गेट्स हायर देन 34 डिग्री सेल्सियस और ड्रॉप्स बिलो 20 डिग्री सेल्सियस. एवरेज ह्यूमिडिटी इज बिटवीन 77% and 88%. रेनफॉल इज ऑफन मोर देन 100 inches अ ईयर. ठीक है, देर इज यूजली अ ब्रीफ सीजन ऑफ लेस रेन. इन मॉनसून एरियाज देर इज अ रियल ड्राई सीजन, ऑलमोस्ट ऑल रेन फॉरेस्ट लाई नियर द इक्वेटर. ठीक है, इनका लोकेशन मोस्टली इक्वेटर के ही आसपास. ठीक है, अब ये एक ट्री का स्ट्रक्चर दिया हुआ है अगर सबको दिख रहा हो. जो बड़े पेड़ होते हैं उनको एक तो उनका रूट का एरिया हो गया फॉरेस्ट फ्लोर, फिर देखिए उनके स्टेम का एरिया जिसे अंडर स्टोरी कहते हैं, फिर जहां से ब्रांचेस फाइनली निकलना स्टार्ट करती है वो कैनोपी होता है, और जहां पर पूरी लीव्स और ब्रांचेस होते हैं वो एमर्जेंट लेयर होता है, ट्री उसी के ऊपर जाता है. मोस्ट ऑफ द ट्रीज ग्रो अप टू अबाउट 25 to 35 meters टॉल. द टॉप ऑफ द ट्रीज ग्रुप टू फॉर्म अ सीलिंग कॉल्ड अ कैनोपी. अगर सारे पेड़ इतने बड़े हो गए हैं तो एक कैनोपी जैसा दिखने लगता है. कैनोपी क्या होती है, एक टेम्परेरी छत. ठीक है, जैसे टेंट में आपको जो छत दिखती है वो कैनोपी कहलाती है.
ठीक है, सी ए एल ओ पी वाई। अब वेस्टर्न घाट की ये एक पिक है, एक पिक से नहीं समझ में आएगा वेस्टर्न घाट एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं, बट हाँ दिस इज समथिंग दैट इट लुक्स लाइक। इफ यू एवर ट्रेवल टू मुंबई एंड इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय रोड फ्रॉम मुंबई टू गोवा, तो आपको ऐसे फॉरेस्ट दिख जाएगा। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एडाप्टेशन का क्या है, यहाँ पे एनिमल लाइफ इज हाईली डाइवर्स, डाइवर्स मतलब बहुत सारे प्रजाति के एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड अमंग मैमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस भी है यहाँ, ठीक है। इंक्लूड अडेप्टेशन टू एन आर्बोरियल लाइफ, फॉर एग्जाम्पल द प्रीहेंसाइल टेल्स ऑफ न्यू वर्ल्ड मंकीज, ठीक है, ब्राइट कलर्स एंड शार्प पैटर्न्स, लाउड वोकलाइजेशन, लाउड वोकलाइजेशन क्या हो गया, तेज आवाज, एंड डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, ठीक है। मेनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट, कैमोफ्लाज, थिक स्किन, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी, ठीक है। अडेप्टेशन ऑफ द रेड टाइप फ्रॉग, इनका ये जो पैर है अगर आपको दिख रहा हो, दिस लेग्स, दे हैव स्टिकी पैड्स दैट हेल्प देम टू क्लाइंब ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड स्मॉल श्रब्स, ठीक है। और इनका ये जो ग्रीन कलर है ये लीव्स में इनको इतना ब्लेंड कर देता है कि जल्दी इनका प्रे इन्हें स्पॉट नहीं कर पाए, ठीक है। अब मंकीज का क्या है, लॉन्ग टेल टू होल्ड ऑन टू ब्रांचेस, फीट सुटेबल टू होल्ड ऑन टू ब्रांचेस। अब जिन्हें पेड़ पे रहना है तो जाहिर सी बात है उनके हाथ पैर इतने मजबूत होने चाहिए कि वो ट्री की ब्रांचेस पे लटक सके और उस पर रह सके, ठीक है। लाइन टेल मका, ये जो मंकी दिख रहा है आपको इसमें अगर है तो लाइन टेल मका इसको क्यों कहते हैं, कि इसकी पूछ थोड़ी सी शेर के पूछ के जैसी होगी, ठीक है। रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में ये पाया जाता है, इट इज अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द ट्री, इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, इट ऑल्सो ईट्स सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स। अब ये देखिए अगेन जो है अब पिक ऑफ द टूटल, बुक में उतनी अच्छी पिक नहीं थी बट यहां से आप देख सकते हैं इसकी ये जो लॉन्ग बीक दिख रही है आपको, लॉन्ग लार्ज बीक, ये इसकी हेल्प करती है जिससे कि ब्रांचेस पे जो फ्रूट्स है ये उनपे पहुंच सके और उन्हें खा सके। द लायन एंड द टाइगर, अगेन ये स्लाइड हमने देख रखी थी। अब एलिफेंट्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, इनका ये जो ट्रंक है आपको दिख रहा है, सूंड है जो इनकी, इससे इनका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बड़ा एम्प्लीफाइड होता है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है। द नोज इज मॉडिफाइड इनटू अ लॉन्ग ट्रंक विच हेल्प द एनिमल टू पिक अप फूड, अगेन इट हेल्प्स देम टू पिक अप फूड। अब जाहिर सी बात है बीइंग सो लार्ज इनका मुंह बहुत ऊंचे लेवल पे होता है, तो अब उतना ये झुक नहीं सकते विद सच अ हैवी बॉडी, तो इनकी ये जो ट्रंक है ये हेल्प करती है खाने को जमीन से उठा के इनके मुंह तक पहुंचाने, ठीक है। द टस्क्स, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, आर मॉडिफाइड टीथ विच हेल्प द एलिफेंट टू टेयर द बार्क ऑफ ट्रीज, इससे ये पेड़ों के तनों को भी अक्सर ये थोड़ा टेयर कर देते हैं, और ये जिससे कि अगर उसकी कोई ब्रांच गिरेगी या पेड़ गिरेगा तो उसकी पत्तियों को ये खाएंगे। द लार्ज ईयर्स हेल्प टू लिसन टू इवन सॉफ्ट साउंड, ईयर्स हेल्प टू कूल द बॉडी। अब हाथी के कान एक तो बहुत हल्की सी आवाज को भी सेंस कर लेते हैं, दूसरा इनकी बॉडी को ठंडा रखते हैं, इनका अपना नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ये इनके ईयर्स जो, ठीक है। नाउ अगेन अ पिक ऑफ अ फुली ग्रोन मेल एलिफेंट, दैट्स ऑल फॉर द प्रेजेंटेशन। तो ये एक चैप्टर का आपके रिविजन था पूरा,